بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى मेरे मोहतरम अजीज़ों, रमज़ान मुबारक की आमद आमद है। रमज़ान अपने साथ बरकात, हमदर्दी, मुआसात, मोहब्बत और रहमत का पैगाम, मग़फ़रत का मुजदा, खुशखबरियाँ अपने साथ लाता है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए रमज़ान मुबारक का महीना ये तोहफ़ा दिया है। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम, अल्लाह का फजल और एहसान है। इस तरह अगर देखा जाए तो रमज़ान मुबारक की आमद से वजूद में, माहौल में, माशरे में एक अजीब किस्म का नूर और एक अजीब किस्म की इनकलाबी कैफियत और विद्यानी कैफियत, रमज़ान मुबारक की आमद से ही एक खुशबू और बहार आती है। लेकिन असल चीज़ क्या होती है? असल चीज़ यह है कि जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं कि वस्तईनू बिस्सब्र वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। जिस तरह नमाज पढ़ना है और बाकी जितनी भी इबादत हैं, इस तरह रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा रखना ये भी इबादत है। दुनिया का काम इंसान के लिए करना आसान होता है, लेकिन जो काम चोर है, जो काम करना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो काम मुश्किल है कि वो जहाँ भी काम करेंगे वहाँ काम नहीं करते। जो काम चोर है तो इस तरह से गोया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज जो है बहुत बड़ी चीज़ है, इल्ला अलल खाशीन, यानी नफ्स पे शाख गुजरती है और भारी है, खाशीन के लिए नहीं है। यानी जो एक वो शख्स है जो काम चोर है, जो अल्लाह ताला की ज़ात से बगावत करता है और अल्लाह से दूर रहता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो खाशीन है, जिनको पता है कि हमारा असली वतन कहाँ है, असली घर कहाँ है और हमें कहाँ लौटना है, अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, जब यकीन हो कि हमारा घर किधर और कहाँ है, अपने असली घर का जिसे इल्म हो कि हमें यहाँ ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहना बल्कि अपने रब की तरफ लौटना और जाना है, तो उनके लिए नमाज आसान है।
और फिर नमाज में क्या क्या फ़वाद होते हैं जब वो उसे मालूम हो जाए तो नमाज से मोहब्बत हो जाती है और आसान हो जाती है। मोहब्बत में हर चीज़ कितनी भी बड़ी मुश्किल और शाक हो लेकिन मोहब्बत उसको आसान बनाती है बल्कि पुर लज्जत बनाती है कि वो लजीज भी होती है और बहुत उससे इंसान को प्यार और लज्जत आती है। जिसे अपने रब से प्यार है उसे उसके अहकाम से प्यार है और उसके जो जो अल्लाह के महबूब है उनसे भी प्यार है। हर चीज़ से फिर प्यार होता है, जब प्यार मोहब्बत है तो हर चीज़ प्यारी है। लेकिन जब अल्लाह से मोहब्बत ना हो और इंसान को आखिरत का यकीन ना हो और अपने असली घर का जिसे पता ना हो तो ज़ाहिर बात है जिसको अपने असली घर का पता ही ना हो तो वो तो एक भटका हुआ इंसान होता है। और भटके हुए इंसान की ज़िंदगी क्या होती है? दुनिया में जिस शख्स को आखिरत की फ़िक्र नहीं है और जिसको अल्लाह की रज़ा का और अपने आखिरी मंजिल का जिसे इल्म नहीं है वो भटका हुआ इंसान है। और भटके हुए इंसान की ज़िंदगी क्या होती है? न नींद है, न सुकून है, न आराम है, कोई चीज़ नहीं होती। तो दुनिया में यही मामला होता है। अब रोज़े में क्या कि इंसान न खाता है, न पीता है और न अपनी ख्वाहिशात की पूरा कर सकता है, सब चीज़ बंद है रोज़े में। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी का इरादा करते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करता। तो कोई कहे जी अपने नमाज के लिए वक्त देना, रोज़े के लिए इतना वक्त लगाना कि सुबह से लेकर फजर से लेकर और मगरिब तक ये सारा कुछ ना खाना ना पीना कुछ, और फिर अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारे लिए आसानी करता हूँ। अल्लाह फरमाते तुम्हारी ताकत के ऊपर तुम्हें मैं तकलीफ़ नहीं देता, तुम्हारे लिए आसानी करता हूँ। इसलिए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरा क़ुर्ब हासिल करे, मेरे करीब हो। अल्लाह अपने क़ुर्ब देने के लिए अब जो इनफरादी अहकामात हैं कि एक एक बंदा अपनी इनफरादी मेहनत करे, तो इनफरादी मेहनत करना नहायत मुश्किल है कि एक आदमी अपनी अलग से यह नमाज का हुक्म हो के जो आदमी जहाँ हो वहाँ नमाज पढ़े। इनफरादी अमल इंसान पे मुश्किल गुजरता है। तो अल्लाह ताला ने ये इज्तिमाई अमल इसलिए पैदा किए हैं और फरमाए हैं कि इज्तिमाई अमल से हर चीज़ आसान होती है। जब सारे नमाज पढ़ रहे हैं तो ये भी उसमें शामिल हो जाता है। अब जमात की नमाज इसलिए है कि नमाजियों के साथ नमाज पढ़ना है, जमात के साथ नमाज पढ़ना है तो उसमें जमात के साथ नमाज पढ़ना वो उसके लिए जब यानी आसान हो जाती है कि सारे नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं भी नमाज पढ़ लूँ। इस तरह से रोज़ा भी अल्लाह ताला अपना क़ुर्ब जब मोमिनीन को देना चाहता है तो अपने क़ुर्ब के लिए उसे एक इबादत यही है कि इंसान जब तक अपनी ख्वाहिशात से दूर नहीं होता, अपने नफ्स की रज़ा और मनचाही ज़िंदगी से दूर नहीं होता, उसे कभी भी अल्लाह ताला की रज़ा नसीब नहीं हो सकती। अब जब नफ्स की ख्वाहिशात और रज़ा ख़त्म होगी तो अल्लाह ताला की रज़ा शुरू होती है। अब वो इंसान अकेला उसमें मेहनत करे ये तो बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला ने इज्तिमाई तरह पूरा महीना रमज़ान मुबारक रख दिया और पूरा महीना अव्वल से लेकर आखिर तक जो काम है ये सब कुछ इज्तिमाई अमल है। रोज़ा भी रखना है, सबने रखना है, तरावी भी पढ़नी है, सबने पढ़नी है। अब ये इज्तिमाई अमल जो है उससे एक काम के अंदर आसानी होती है। हाँ, फिर कभी कभी ये भी होता है कि एक आदमी बीमार है और उसे डॉक्टरों ने मना कर दिया है। अब सारी ज़िंदगी उसने रोज़े रखे और फिर मना भी हो गई, रोज़े भी नहीं रख सकता। हाँ, तो अब जब सारे रोज़े से हैं और ये रोज़ा नहीं रखता तो एक आदमी घर के अंदर जो बेरोज़ा हो उसके लिए बहुत मुश्किल है वक्त गुजारना। तो इसका इरादा हुआ कि मैं भी रोज़ा रखूं।
अब घर वाले कहते हैं कि आपके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है रोजे की, आप कैसे रोजा रखते हो। हाँ तो भाई डॉक्टर साहब को ले आए, अगर इसको ज़्यादा ज़रूरत है रोज़े की तो अपने आप को डॉक्टर को कह एक डिप लगा दो, डिप लगी रहे और शाम को रोज़ा की इफ्तार कर दो, ग़िज़ा भी चल रही है और साथ साथ रोज़ा भी चल रहा है। जब अल्लाह फरमाते मैंने आसानी का इरादा कर लिया है, बाद लोग ये समझते हैं कि रोज़े में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, गोश्त में लगाने से या रग में लगाने से कोई रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि अगर ड्रिप भी लगा दे तो भी रोज़ा नहीं टूटता। बल्कि हज़रत बिन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, मैंने तुम्हारे लिए आसानी पैदा की है, आसानी चाहता हूँ, मुश्किल नहीं चाहता तुम्हारे लिए। तो आसानी यही है कि गोया के खाता पीता भी जाए और रोज़ा भी है, दोनों चीज़ें हैं, ड्रिप भी लगी हुई है, इंजेक्शन भी लग रहे हैं और रोज़ा भी उसका हो रहा है। हाँ इस तरह से अल्लाह ताला ने आसानी पैदा की। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दीन युसर, दीन आसान है, दीन कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हर चीज़ आसान होती है चाहने वालों के लिए, जिसको चाहत होती है, जिसको प्यार होता है, जिसको मोहब्बत होती है उसी के लिए आसान होती है। जिससे प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो, चाहत ना हो, उसके लिए तो हर चीज़ मुश्किल है। उसके लिए दुनिया के काम मुश्किल हैं, उसके लिए माँ बाप की खिदमत करना मुश्किल है, उसके लिए माशरे में चलना मुश्किल है। तो फिर अल्लाह की क्या बात है, जिससे अल्लाह से मोहब्बत ही ना हो, चाहत ना हो, तो उसके लिए नमाज भी मुश्किल है, उसके लिए इबादत भी मुश्किल है। लेकिन जिनको चाहत है तो उसे नमाज से मोहब्बत होती है। तो हुज़ूर फरमाते अल्लाह ताला ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। हाँ तो जिसे नमाज में चाहत है उसे उसकी आंखों को ठंडक तब मिलती है जब नमाज पढ़े, सुकून तब मिलता है जब नमाज पढ़े। हज़रत साबितुल बनानी रहमतुल्लाह अलैह किबारे ताबीन में से हैं, बड़ी नमाज से मोहब्बत थी, नमाज से इतनी मोहब्बत थी कि जब किसी के घर गए तो पहले दो रकत नफल पढ़े, जब मस्जिद में गए दो रकत नफल पढ़े, और जब किसी के खेत और ज़मीन पर गए तो पहले ही वज़ू से हर वक्त होते दो रकत नफल पढ़े, हर वक्त नमाज और नमाज ही पढ़ते रहते थे, और जहाँ भी जाए नवाफिल पढ़ते रहते थे। तो नमाज से उसको मोहब्बत थी। जब वफात पा गए तो कब्र में रखा गया और ईंटें लगाकर बंद कर दिया गया, फिर पता चला कि अंदर कोई चीज़ रह गई है, कोई कपड़ा या कोई चीज़ अंदर रह गई, उसके लिए ईंटों को हटा के और फिर वो चीज़ उठानी पड़ी। जब ईंटों को खोला तो देखा हजरत कब्र में नमाज पढ़ रहे। तो नमाज से मोहब्बत हो। अब जब मुनकर नकीर आएंगे और देखेंगे कि ये बंदा यहाँ नमाज पढ़ रहा है तो एक दूसरे को कहेंगे कि हम इससे पूछने आए, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, इससे क्या पूछेंगे, इससे पूछने की ज़रूरत क्या है। और फिर हदीस में है कि जब एक मोमिन को और नमाजी को जब कब्र में रखा जाता है, मुनकर नकीर आते हैं उससे पूछने के लिए, सवाल करने के लिए, तो अल्लाह ताला उस वक़्त ये कैफियत रखते हैं कि गोया के सूरज गुरूब होने के करीब है, और जब इसको उठाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं कि बताओ कि तुम्हारा रब कौन है, मर रब का सवाल करते हैं, तो ये देखता है कि सूरज जो है वो गुरूब होने के करीब है, तो ये कहता है दाऊनी उसली, सवाल बाद में करो, पहले सूरज गुरूब हो रहा मुझे छोड़ो मैं नमाज पढ़ूँ। तो मुनकर नकीर कहेंगे इससे क्या पूछेंगे, जो इस वक्त इस कैफियत में इनको नमाज की लगी हुई है। तो भाई ये सवाल का खुद, नमाज खुद मुनकर नकीर के सवाल का जवाब है, नमाज खुद कब्र के मसाइल का हल है, और रोज़ा जो है ये अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है। कि पहले न खा के न पी के ख्वाहिशात को ख़त्म करके और फिर
अपने सीने को गोया के मांझना है, साफ़ करना है, जिस तरह से दीवार को साफ़ करना होता है, इस तरह से साफ़ कर 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 के शीशा बना दिया। अब रात को जब ये तरावी पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तजल्लियात, कुरान करीम के अनवारात, अल्लाह के कलाम का नूर वो इसके सीने में दाखिल होता है तो ईमान कामिल होता है। और ये जब ईमान कामिल हो, नूर मुकम्मल होता है, तो इस नूर की बरकत से अल्लाह ताला उसको लैलतुल कदर नसीब फरमाते। लैलतुल कदर कितनी बड़ी शान है। ये रमज़ान का महीना, ये मुस्तकिल, ये खाने पीने का महीना नहीं है, नहीं ये कि रमज़ान आएगा तो लज्जतें उठाने का महीना, इफ्तार में ये चीज़ें खाई जाएंगी और सारी में ये चीज़ें खाएंगे, नहीं। ये एक मुकम्मल निसाब और कोर्स है, इज्तिमाई अमल है, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए रहमत का सामान रखा है, बख्शिश का मुद्दा रखा है, और अल्लाह ताला ने जहन्नम के खलासी रखी है इसके अंदर। पहले अशरा जो है हदीस में है कि अव्वल हु रहमतुन व औसत हु मगफरतुन व आखिर हु इत्कुम मिन नीरान। पहला जो अशरा है ये रहमत है। अब रहमत का मतलब क्या होता है? हाँ, रहमत का मतलब ये होता है कि इंसान सारा साल जब चलता है तो उसका जहन, दिमाग, दिल दुनिया में इतना लगा हुआ होता है कि रोज़ा रखते रखते उसका जी नहीं करता कि कैसे रोज़ा रखूँ और कैसे, तबीयत पे शाक गुजरता है। अब अगर पहला अशरा मगफरत का होता, बख्शिश का, तो सोचते सोचते ये 10 दिन गुजर जाते, बख्श के दिन ही गुजर जाते। पहला अशरा अल्लाह ने रहमत का रखा ताकि ये पहले रहमत के खीमे में आ जाए। जब अल्लाह के रहमत के खीमे के नीचे आएगा तो पूरा मिजाज जो है वो इतना ठंडा हो जाएगा और इतना संजीदा हो जाएगा कि दिल के अंदर सारी चीज़ें निकल कर एक अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी और दिल के अंदर तलब पैदा हो जाएगी। जब पहले अशरे में तलब पैदा हो गई, तड़प पैदा हो गई, तो फिर दूसरा अशरा अल्लाह ने मगफरत का रखा। अब दूसरा अशरा मगफरत का है कि अब तेरे दिल में तड़प और तलब पैदा हो गई है, अब अपने रब से मांगो और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श कर देगा। अब बख्शिश का महीना है। हाँ, अभी बेचारा मजबूर है और फारिग नहीं है, इसको वक्त ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता, मसरूफ रहता है, तो फिर अल्लाह फरमाते मांगो ना मांगो, तीसरा अशरा मैंने रख दिया इतकुम मिनन नीरान, के न मांगने वालों के लिए भी जानम से खलासी हो जाती है। कैसा महीना अल्लाह ने मुबारक रखा है, ये पूरा यानी रहमत का, मगफरत का, साइलीन का महीना भी है, महरूमीन का महीना भी है, जो मांगने वाले उनके लिए भी है और जो न मांगने वाले नहीं मांग सकते उनके लिए भी है। फिर कुरान करीम की शान किया है, कुरान के अनबारात किया है, कुरान करीम की तिलावत, उसके साथ रमज़ान के महीने को कितनी बड़ी मुनासिबत है। और कुरान करीम क्या चीज़ है कि अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती आतैतुहु अफ़ज़ल मा उतिस साइलीन। अब दुनिया में कितने इंसान हैं, कोई अल्लाह ताला से बेटा मांग रहा है, कोई अल्लाह ताला से अल्लाह की मोहब्बत मांग रहा है, कोई अल्लाह ताला से आखिरत मांग रहा है, कोई जन्नत मांग रहा है, कोई अल्लाह से अल्लाह की रज़ा मांग रहा है। हज़ारों मांगने वाले, लाखों अरबों मांगने वाले अल्लाह से अपने अपने सवाल और अपनी अपनी बातें और दिल की जो मुरादें वो रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, अब कुरान करीम के तिलावत की वजह से वो मेरा जिक्र भी नहीं कर सकता, मांग भी नहीं सकता। हाँ, तो कुरान करीम की तिलावत की वजह से, कुरान करीम के जिक्र की वजह से, कुरान करीम के तिलावत की वजह से न जिक्र करता है न मुझसे मांग सकता है। तो अल्लाह फरमाते हैं जितने मांगने वाले हैं उन सब की मैं मुरादें पूरी करूँगा, उन सबसे अफजल और ज़्यादा बेहतर इसको बग़ैर मांगे अता करूँगा, बग़ैर मांगे। अब अल्लाह से मांगने का सबसे अच्छा तरीका मांगना नहीं है,
अल्लाह के मांगने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुरान की तिलावत में मशगूल हो जाओ। तो अल्लाह फरमाते हैं जो भी मांगने वाले हैं, अब कोई आदमी मांगता है कोई बात याद रहती है कोई नहीं रहती, अल्लाह फरमाते तिलावत में जो मशगूल हो जाए उसको तो बगैर मांगे सारे मांगने वालों से अच्छा सब कुछ दे देता हूँ, इसलिए कि मेरे कलाम में मशगूल है। और फिर कुरान इन्नल कुलूब तस्तवकमा यस्तुल हदीद इज़ा असाबुल मा कील वमा जिला हुआ या रसूल अल्लाह काल कसरत ज़िक्र मौत व तिलावत कुरान। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिलों को जंग लग जाता है, जिस तरह अगर लोहे को पानी लगे तो लोहे जंग आलूद हो जाता है। अब सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह लोहे का जंग तो हम उतार सकते हैं, उसके पेपर वगैरह से किस चीज़ से, या आग में जलाकर जंग उतारा जा सकता है, दिलों का जंग कैसे उतरेगा? तो हुजूर ने फरमाया कि मौत को ज़्यादा याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना, कुरान करीम की तिलावत से दिलों का जंग उतरता है, गुनाहों का जंग उतरता है, अल्लाह का नूर और अल्लाह की मोहब्बत का रंग, अल्लाह की मार्फत का रंग इसमें आता है। इसलिए रमज़ान मुबारक का महीना ये खुद मुसलह है, खुद मुर्शिद है, इंसान को कामिल बनाने का महीना है। अब जो रमज़ान की बरकत से महरूम रहता है, कामिल नहीं होता, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि खाना तो बहुत अच्छा है, सबने खाया, सबने सैर होकर खाया, एक ही दस्तरखान पर एक ने बाहर जाके कह कर दी, एक को मोशन लग गए, एक को बुखार आ गया, तो भाई ये खाने का कसूर नहीं है। अगर खाने का कसूर होता तो दस्तरखान पर बैठने वालों को सबको तकलीफ होती, लेकिन सारे ठीक हैं, एक को बुखार हुआ, एक को मोशन लग गए और एक को कह हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मकसद कि इसका अपना मैदा खराब है, खाना ठीक है लेकिन इसका अपना मैदा खराब है। अगर रमज़ान मुबारक की बरकत से किसी को नफ़ा नहीं होता, फ़ायदा नहीं उठा सकता और जी उसका नहीं लगता, तो उसका मकसद ये है कि इसका अपना मैदा ख़राब है, रूहानी ग़िज़ा इसको रास नहीं आ रही, इसलिए ये तो सबसे बड़ा मरीज है, छोटा मरीज नहीं है, ये बड़ा मरीज है। अब इसको बड़ा इलाज कराना चाहिए अपना, ये नहीं है कि आदमी आकर करता है और जो रोज़े रखता है उस पर भी नाराज़ होता है, गुस्सा करता है, ये नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा मरीज है, उसको ज़्यादा गौर फिक्र करना चाहिए कि रमज़ान मुबारक का इतना बड़ा महीना जो किसी इंसान को कामिल बनाने का नुस्खा है, उसके अंदर भी मुझे नफ़ा नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये है कि मेरे रूहानी मैदा वो ठीक नहीं, वो इस ग़िज़ा को कबूल नहीं कर रहा, तो ये अपने आप को कहीं जाके दाखिल करे और अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे। वरना रमज़ान मुबारक का महीना ये कुछ ऐसे खामोश मुर्शिद होते हैं जो इंसान को बग़ैर तलब के सब कुछ अता हो जाता है। हाँ, जिस तरह से अब कोई मुर्शिद है उसकी मर्ज़ी है, अपनी तजलियात सीना किसी को दे न दे वो तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन कोई बैतुल्लाह के सामने आए तो बैतुल्लाह उसे अपने अनवारा दे देता है, ये खामोश मुर्शिद है। रमज़ान मुबारक की बरकत उसको नसीब हो जाती हैं, रमज़ान मुबारक भी खामोश मुर्शिद है, मुस्लिम हैं, कदर करनी चाहिए। हाँ, कि रमज़ान मुबारक कोई मामूली महीना नहीं है, बहुत मुबारक है। और रमज़ान की आमद से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक तक पहुँचने के लिए भी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शावान व बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह हमें रमज़ान तक ज़िंदा रख, रमज़ान तक हमें पहुँचा, अल्लाह हमें रमज़ान में बरकत दे, रमज़ान में बरकत हिस्सी भी हैं, रमज़ान में बरकत रूहानी भी हैं, रमज़ान मुबारक में नफल फ़र्ज के बराबर है, फ़र्ज 70 फ़र्जों के बराबर है। और ये एक इंसान को कामिल इंसान बनाने का नुस्खा है। और रमज़ान मुबारक का मकसद सिर्फ हुकूकुल्लाह को अदा करना नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि रमज़ान में लोग ज़कात भी ज़्यादा अदा करते हैं, रमज़ान में लोग सदका भी ज़्यादा देते हैं, रमज़ान में लोगों को इफ्तार भी ज़्यादा कराते हैं, रमज़ान में जो उसकी अपनी
जो ज़िंदगी होती है उससे ज़्यादा लोगों को सदके खैरात और लोगों को ज़्यादा देना उसकी तरफ उसका ध्यान रहता है। ये रमज़ान मुबारक की बरकत से हुकूकुल्लाह की भी तकमील होती है, जिस तरह हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की, हुकूकुल इबाद की भी तकमील होती है, जिस तरह अल्लाह के हक अदा कर रहा है तो उसके अंदर हुकूकुल इबाद के अदा करने का भी जज्बा होता है। बहुत मुबारक महीना है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स का वो हलाक व बर्बाद हो जाए जिसको रमज़ान मुबारक का महीना नसीब हो और रमज़ान के महीने की आमद के बाद भी अपने आप को अल्लाह से बख्श न करा सके, उसके लिए हलाकतें और बर्बादें। तो ऐसा शख्स जो महरूम किस्मत हो, ये मफलूकुल हाल है। इसलिए ये दुनिया में जो हम देख रहे हैं, ये गरीब है, ये मफलूक है, ये नादार है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मल मुफलिस, बताओ कि कंगाल मुफलिस नादार शख्स कौन है। तो साहब ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मल्ला माल इंदहु वला दिरहम वला दीनार, जिसके पास माल ना हो, जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, ये मुफलिस है, ये मिस्कीन है, ये कंगाल है, ये नादार है, इसके पास कुछ भी नहीं है। फरमाया, नहीं, मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन आएगा, अपनी हसनात और नेकियां लेकर, उसके पलड़े में नमाजें होंगी, उसके पलड़े में रोज़े होंगे, सदकात होंगे, इबादतें होंगी, लेकिन किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी और किसी का हक खाया होगा और किसी पर जुल्म किया होगा, तो अल्लाह जल्ला शानु फरमाएंगे कि अब जुल्म का हिसाब दो। अब वहाँ पर पैसे तो नहीं होंगे, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अब इनकी जो नेकियाँ हैं ना, वो मज़लूम को दे दो। अब वो नमाज़ें मज़लूम को दी जा रही हैं, दी जा रही हैं, सारी नेकियाँ ख़त्म हो गई। अब जब नेकियाँ ख़त्म हो गई तो अब भी मज़लूम तो पीछे लाइन में लगे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? फिर अल्लाह फरमाएंगे, अब इनके जो गुनाह हैं मज़लूम होंगे, वो इसके सर पर ला दो। नेकियाँ ख़त्म हो गई और गुनाह जो है वो उसके सर पर लादे जाएंगे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस दिन उसे होश आएगा कि आज एक एक नेकी के लिए ये परेशान होगा कि आज मेरे पास एक नेकी होती कोई तो मैं कम से कम जन्नत का मुस्तहिक होता। तो हुजूर फरमाते हैं, वो एक एक नेकी के लिए तरसेगा और एक नेकी के लिए सवाल करेगा कि मुझे यह है मुफलिस, यह है कंगाल, यह है नादार, जिसकी नेकियाँ ख़त्म हो जाएं और दूसरों के गुनाह उस पर आ जाएं, ये मुफलिस है। ये माल मता, ये दुनिया में गरीबी और मुफलिसी वाली ज़िंदगी ये गुजर जाएगी, लेकिन जो हकीकी हकीकी जहान है उसमें इंसान के पास अगर अमल का सिक्का ना हो और इबादत का सिक्का ना हो, अल्लाह के अहकाम और इताअत और मोहब्बत का सिक्का ना हो, तो उस दिन वो महरूम मफलूक और मुफलिस होगा। अल्लाह हमें समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रमज़ान मुबारक की बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें रमज़ान की महरूमी से बचाए, और अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत और अपना क़ुर्ब नसीब अता फरमाए, इबादत में इन्हमाक लज्जत और शौक, तकवा वाली ज़िंदगी और अनवारात नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सीनों को अपने नूर से भर दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।